सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो पढ़ा था अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज है वो हमने देखी थी, ठीक है। तो अब होता क्या जनरली यहाँ पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ अकबर्स न्यू रिलीजियस पॉलिसी डिक्लाइन आफ्टर हिज डेथ। जो उसकी पॉलिसीज वगैरह हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं उसकी डेथ के बाद में। अकबर रीजन इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री एज गोल्डन एज। और जो अकबर का रीजन था, जो अकबर का जो एम्पायर था उस समय, जितने टाइम उसने रूल किया, जो भी टाइम पीरियड है, उसको गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर बोला जाता है। अब अकबर के बाद में उसका बेटा जहांगीर आता है रूल करने के लिए। वो रूल करता है 1605 से लेकर 1627 तक। आफ्टर अकबर्स डेथ हिज प्रिंस सलीम असेंडेड द थ्रोन। जो उसका बेटा है प्रिंस सलीम, वो थ्रोन को असेंड करता है, थ्रोन को ऑक्यूपाई करता है, और वो अपने आप को जहांगीर के नाम से बुलाता है। यानी जो थ्रोन पे बैठता है तो अपना नाम चेंज कर लेता है, जहांगीर के नाम से वो आने वाले टाइम में जाना जाएगा। मीनिंग होता है उसका कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को जीतने वाला। ही कंटिन्यू अकबर्स लिबरल्स एंड सेकुलर पॉलिसी। और उसने अकबर के जो लिबरल्स हैं, जो उसके मतलब जो उसमें नोबिलिटी वगैरह थी जनरली, उसको मेंटेन करके रख रहा है, और जो सेकुलर पॉलिसीज वगैरह उसको मेंटेन करके रखता है। अब पढ़ते मिलिट्री कैंपेन जहांगीर का। जहांगीर इनहेरिटेड अ लार्ज एम्पायर। जहांगीर को जब राजा बना, किंग बना, उस समय उसको एक बहुत बड़ा एम्पायर मिल चुका है अकबर के द्वारा। ही फर्स्ट क्रॉस द रिबेलियन ऑफ सन प्रिंस खुसरो। सबसे पहले उसने अपने सन प्रिंस खुसरो को, मतलब रिबेलियन जो कर रहा था उसका बेटा, उसको हटाया, क्रश किया, और उसके बाद उसने मुगल्स को, मुगल का जो कंट्रोल है अवध और बंगाल के ऊपर, उसको बढ़ा दिया। इन 1613 ही डिफीटेड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़। जहांगीर अलाउ हिम टू रूल ओवर हिज टेरिटरी ऑन द कंडीशन डेट ही वुड रिमेन लॉयल टू द मुगल। उसके बाद राणा अमर सिंह को हराया, जो कि मेवाड़ का रूलर है, और उसको ये बोला कि तब तक मैं तुम्हें रूल करने दूंगा जब तक कि तुम लॉयल रहने वाले, वफादार रहने वाले हो मुगल्स के साथ में। इन 1620 जहांगीर कनकर्ड कांगरा। उसके बाद उसने जो कांगरा रीजन है उसको कंट्रोल कर लिया। जहांगीर ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेंड द मुगल इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन। और डेक्कन वाला जो एरिया है साउथ वाला, जनरली उसको भी अपना, वहाँ पे भी अपना एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता है। ही कैप्चर द अहमदनगर फोर्ट। उसमें अहमदनगर फोर्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। वहाँ पे मालिक अंबर, जो मिलिट्री कमांडर अहमदनगर का, डिड नॉट अलाउ द मुगल टू कंकर टेरिटरी इन द डेक्कन। इन द नॉर्थ वेस्ट जहांगीर ल�ोस्ट कांधार टू द पर्सियन। और यहाँ पर जो अहमदनगर है, अहमदनगर फोर्ट को तो कैप्चर कर लिया, लेकिन उसके आगे के पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में भी जहांगीर जो है कांधार रीजन जो है वहाँ पर पर्सियन से हार जाता है। दिस वॉज अ ह्यूज लॉस। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उसको यहाँ पर। एज अ मेजर ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया वॉज पास थ्रू कांधार। जो कांधार रीजन जो है वो एक बहुत ही बड़ा नुकसान था उसके एम्पायर को, क्योंकि इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में जो ट्रेड रूट है वो यहाँ से होके जाता है। देन इंग्लिश ट्रेडर की बात करते हैं। ड्यूरिंग जहांगीर रीजन मैनी ट्रेडर्स फ्रॉम इंग्लैंड केम टू इंडिया। और जहांगीर के एम्पायर में ही काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं इंग्लैंड से इंडिया में आए, और वहाँ पर उन्होंने कंसेशन लेने के लिए इन 1612 द इंग्लिश सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। और इंग्लिश जो कंपनी है वहाँ पे इंडिया में 1612 में आके सूरत के अंदर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाती है। सर थॉमस रो द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड विजिटेड द मुगल कोर्ट इन 1615। और यहाँ पर थॉमस रो जो कि एम्बेसडर हैं किंग ऑफ इंग्लैंड के, वो मुगल कोर्ट में आते हैं 1615 के अंदर, और जहांगीर ग्रांट हिम ट्रेडिंग राइट। और जहांगीर यहाँ से उनको ट्रेडिंग राइट्स दे देते हैं और कुछ कंसेशन प्रोवाइड कर देते हैं। देन जो आगे हम पढ़ने वाले नूर जहाँ के बारे में। नूर जहाँ कौन है? नूर जहाँ वॉज जहांगीर वाइफ, जहांगीर की वाइफ है। हर रियल नेम वॉज मेहरुनिसा। उसका जो रियल नेम है वो मेहरुनिसा है, बट जहांगीर कोल्ड हर नूर जहाँ। जहांगीर उसको नूर जहाँ के नाम से मतलब बोलता है जनरली, इसको नूर जहाँ से मतलब बुलाता है जनरली इसको। और उसका जो मतलब होता है नूर जहाँ का, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड को लाइट दिखाने वाले। नूरजहाँ वॉज इंटेलिजेंट कैपेबल एंड एम्बिशियस लेडी। अब नूरजहाँ कौन है? एक काफ़ी इंटेलिजेंट है, कैपेबल और एम्बिशियस लेडी है, और जहांगीर जनरली इससे एडवाइस लेता रहता है पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के रिगार्डिंग। नूरजहाँ टुक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कोर्ट एंड सी बिकम अ कोरिजेंट। अब ये कोरिजेंट बन चुकी है, ये जो जनरली जहांगीर जो जितने भी डिसीजन कोर्ट की इनसे लेता है। हाउएवर हर राइज टू पावर डिवाइडेड कोर्ट इन टू डिफरेंट ग्रुप। लेकिन जैसे उसकी पावर बढ़ रही है नूरजहाँ की, इससे होता क्या है, जो कोर्ट है कोर्ट में भी अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। दोज हु वर इन द फेवर ऑफ हर, कुछ इसके फेवर में है, कुछ कुछ इसके अगेंस्ट में है।
अब इससे होगा क्या, इसके इससे होता यह है कि जब नूरजहां की पावर बढ़ती है कोर्ट के अंदर, तो दो लोग बन, दो ग्रुप बन जाते हैं, एक तो फेवर वाले, एक अगेंस्ट वाले। अब जो यहां पर होता क्या है, दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड राइवलरी अमंग द नोबल्स। अब जो नोबल्स हैं आपस में लड़ने लग जाते हैं, विच डैमेज द मुगल एम्पायर, और इससे मुगल एम्पायर को डैमेज होने, मुगल एम्पायर डैमेज होने लग जाता है। लेटर जहांगीर फेलिंग, लेटर जहांगीर फेलिंग हेल्थ लेड टू एन ओपन स्ट्रगल ऑफ पावर, हिज ओन सन शाहजहां एंड नूरजहां। अब यहां पर जहांगीर की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, इससे होता क्या, एक ओपन पावर हो चुकी है यहाँ पर, कि कोई भी जो ओपन स्ट्रगल देखने को मिल रही पावर की यहाँ पर शाहजहां और नूरजहां के बीच में। अ नंबर ऑफ नोबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट नूरजहां, और काफ़ी सारे नोबल्स जो हैं वो नूरजहां के अगेंस्ट में आ चुके हैं। अब जहांगीर की डेथ होती है 1627 के अंदर, और वॉज बरीड एट लाहौर, उसको लाहौर के अंदर बरीड किया, दफनाया गया है। देन जहांगीर द किंग की बात हम करते हैं। जहांगीर द किंग, जहांगीर प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू द मुगल एम्पायर। जहांगीर क्या करता है, वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मुगल एम्पायर को। ही कंटिन्यू विद द सेकुलर पॉलिसी ऑफ अकबर, और उसने अकबर की सेकुलर पॉलिसी को मानता है। ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द राजपूत एंड मैरिड इन टू राजपूत फैमिली, और ये भी अकबर की तरह राजपूत के साथ में मतलब फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना चाहता है। उन्होंने राजपूत फैमिली में मैरिज भी करी यहाँ पर, एंड अवॉर्डेड हाई पोस्ट टू राजपूत चीफ। लाइक अकबर, जहांगीर वॉज अ पीपल रूलर, ऐसे ही जैसे अकबर है वैसे जहांगीर भी क्या है, पीपल्स रूलर है, लोगों के लिए काम करने वाला है। और इसके जो सोर्स वगैरह से हमें मालूम चलता है कि उसने एक चेन ऑफ जस्टिस स्टार्ट की थी इसके पैलेस के अंदर। हुएवर हैड कंप्लेंट अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिशियल, जो भी किसी भी पर्सन को अगर कोई कंप्लेंट है पब्लिक ऑफिशियल्स के रिगार्डिंग, उस बेल को वो रिंग कर सकता है, और वहाँ पर उसके बाद सीधा डायरेक्टली वो किंग को आके अपनी कंप्लेन बता सकता है। जहांगीर वॉज वेल रीड मैन, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर, पेंटिंग एंड मुगल पेंटिंग अटेन परफेक्शन ड्यूरिंग रीजन। और जो मुगल पेंटिंग की हम बात करते हैं वो इसके जो कार्यकाल, इसका जो एम्पायर है उस समय काफ़ी परफेक्शन में देखने को मिलता है। देन अकबर के बाद जहांगीर के बाद में नेक्स्ट आता है शाहजहां, जिसने 1628 से लेकर 1657 तक रूल किया। आफ्टर जहांगीर डेथ देर वॉज अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन, जहांगीर डेथ के बाद उनके बेटों में लड़ाई होती है वो थ्रोन को ऑक्यूपाई करने के लिए। प्रिंस खुर्रम डिफीटेड हिज ब्रदर एंड बिकेम किंग, और जो प्रिंस खुर्रम है वो अपने भाइयों को हराकर किंग बन जाते हैं। ही केम टू बी नोन एज शाहजहां, और वो अब आने वाले टाइम में जब थ्रोन में बैठते हैं तो अपने आप को शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध करते हैं, यानी आने वाले टाइम में उसको शाहजहां के नाम से जाना जाएगा, जिसका मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ही ऑल्सो टुक मिलिट्री कन्क्वेस्ट टू एक्सटेंड हिज एम्पायर, और उन्होंने मिलिट्री कन्क्वेस्ट भी किया जिससे अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सकते हैं। और बुंदेलखंड की कंट्रोल जो, ही किल्ड द चीफ ऑफ बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का जो चीफ है उनको इन्होंने मार दिया था। कंट्रोल द पोर्टुगीज इन बंगाल, पोर्टुगीज को कंट्रोल कर रहे हैं बंगाल में, अहमदनगर को जीत लिया है, ठीक है। और जो कांधार पोर्ट था, जो कि कांधार पोर्ट, वहाँ पर अपनी आर्मी भेजी है अपने बेटे के साथ में। However, the attempt failed, लेकिन ये जो attempt था भेजने वाला कि कांधार पोर्ट को वापस से occupy करने वाला, ये फेल हो चुका है। His period has been described as golden age of Mughal Empire, और जो इसका period है, जो इसका ruling का time है, उसको golden age of Mughal Empire के नाम से जाना जाता है। In 1612, शाहजहां married मुमताज महल, और 1612 के अंदर शाहजहां मुमताज महल से शादी करता है, मैरिड करते हैं, जनरली मैरिज करते हैं यहाँ पर। और आफ्टर द डेथ ऑफ मुमताज महल द एम्परर ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फेमस ताजमहल, और मुमताज महल की डेथ के बाद यहाँ पर ताजमहल बनवाते हैं। वैन शाहजहां इल द वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड अमंग हिज फोर सन, दारासी को, सूजा, मुराद एंड औरंगजेब। अब वापस यहाँ पे चारों के बीच में जो चार बेटे इनके, इसमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर औरंगजेब जीत जाता है और वो अपने आप को टाइटल देता है आलमगीर, ठीक है। अब औरंगजेब का जो रीज़न है, जो टाइम पीरियड है, वो है 1658 टू 1707 के अंदर। औरंगजेब द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर रूल्ड फॉर 15 ईयर, औरंगजेब 50 साल तक रूल करता है। अंडर हिम द मुगल रीच इट लार्जेस्ट एक्सटेंट, और मुगल एम्पायर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड इसके एम्पायर में, इसके जो टाइम पीरियड है उस दौरान होता है। दो ही वो द कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, अब बात करते हैं औरंगजेब की, एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर है। ही रूल वॉज मेड बाय रिवॉल्ट, अब जो इसका रूल है वो रिवॉल्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके जो भी औरंगजेब का जो रीज़न की बात करते हैं यहाँ पर, जो इसका टाइम पीरियड है जनरली यहाँ पर, औरंगजेब हैड टू डील विद द रिबेलियन ऑफ जाट, सिख
अंडर गुरु गोविंद सिंह। अब औरंगजेब है, इसको भी काफ़ी सारे रिबेलियन का सामना करना पड़ता है, विद्रोह का सामना करना पड़ता है। किन से? जाट से, सिख से। और सिख के अंदर कौन आ रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह आ रहे हैं, एंड द मराठा अंडर शिवाजी। और मराठा में कौन आ रहा है? शिवाजी। ही ऑल्सो कंडक्टेड अ लॉन्ग कैंपेन टू कनकर डेक्कन, और डेक्कन को कनकर करने के लिए, जीतने के लिए इन्होंने एक बहुत लंबा कैंपेन चलाया था। द रॉयल ट्रेजरी वॉज डेपिलेटेड ड्यू टू द कॉन्स्टेंट वॉर, लेकिन जो इनका जो खजाना है औरंगजेब का, वो लगातार खाली होता जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है लगातार वॉर में बिलीव करते हैं, लगातार वॉर वगैरह करते रहते हैं, इनसे जो इनकी ट्रेजरी है ऑलमोस्ट वो एम्प्टी हो जाती है। औरंगजेब डिड नॉट कंटिन्यूस पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ इस प्रीडिसर। अब जो औरंगजेब है वो शाहजहाँ और उसके जो पहले वाले जो किंग्स थे उनकी पॉलिसीज वगैरह को नहीं मानते हैं। His reason is noted for strict law, और जो इनका reason है एक strict law के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद the death of Aurangzeb was the beginning of the end of the Mughal Empire, और औरंगजेब की death के बाद जो Mughal Empire है उसकी उसका end यहाँ से start हो जाता है। His son kept fighting with each other, जो आने वाले time में औरंगजेब के बेटे हैं लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। They divided the empire and become weak and अब ये क्या करते हैं एम्पायर को मतलब काफ़ी वीक बना देते हैं इनके जो सन वगैरह जनरली यहाँ पर लगातार ये वॉर वगैरह कर रहे हैं और इससे जो एम्पायर है मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हो जाता है। और उसके बाद जो आगे का चैप्टर है आपका टॉपिक जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है ना और मनसबदार सिस्टम, ये आपका सेवन्थ क्लास से कट हो चुका है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में आपका कवर करेंगे।